कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले आप देखिए कंप्यूटर की डिफिशन आपको पता है कि कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र द्वारा रॉ डेटा को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है यानी कि यूज़र जो है वो डिफरेंट इनपुट डिवाइस का यूज़ करके रॉ डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में फीड करता है फिर कंप्यूटर सिस्टम अपने जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो उसके कंट्रोल यूनिट है अथमेटिकलॉजिकल यूनिट है और जो सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका यूज़ करके डेटा को प्रोसेस करता है क्लियर जो भी अकॉर्डिंगली कमांड जो दिया गया है यूजर उसके अकॉर्डिंग जो है वह डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो एज अ आउटपुट शो कर देता है तो इसी डिफिनेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा कंपोनेंट जो है कंप्यूटर सिस्टम का छुपा हुआ है सबसे पहला हम यहां पर मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डिवाइस की बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस यानी एक ऐसा डिवाइस ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करके जो यूजर होता है वो डेटा को इंटर करता है डेटा को जो है एज अ इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में फीड करता है अब जैसे आप आपको जो है टाइप करना है आपको सपोज कि गूगल पे आपको सर्च करना है कि व्हाट इज कंप्यूटर या फिर व्हाट इज मार्केटिंग तो आप क्या करोगे कीबोर्ड आपके सामने रखा होगा कीबोर्ड पे टाइप करोगे और उसके बाद जो है आप देखोगे कि स्क्रीन पे आपको जो भी आपने टाइप किया वो दिख जाएगा एंटर प्रेस करोगे और आपको जो है वहां पर इंफॉर्मेशन रिजल्ट जो है वहां पर शो हो जाता है तो ये इनपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस का यूज करके ही जो है कंप्यूटर सिस्टम में रॉ डेटा को आप जो है फीड कर सकते हो तो कंप्यूटर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया इनपुट डिवाइस हो गया क्योंकि अगर डेटा इनपुट करोगे नहीं तो इफॉर्मेशन और क्या कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी कोई भी आउटपुट आपको वहां पर मिलेगा ही नहीं तो सबसे पहले आपको इनपुट डेटा को इनपुट करना जरूरी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए इनपुट डिवाइस चाहिए इनपुट डिवाइस क्या हो गया द डिवाइस दैट अलाउ अ यूजर टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू कंप्यूटर क्लियर तो एक डिवाइस जिसका यूज करके आप डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इंटर कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस आप जानते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया माउस हो गया इसके अलावा माइक्रोफोन स्कैनर ट्रैक बॉल जॉयस्टिक ये सब वीडियो गेम खेलते वक्त जो है आप यूज़ करते हैं ग्राफिक टेबलेट हो गया डिजिटल कैमरा हो गया ये सब क्या है ये सब इनपुट डिवाइसेज है जिसका यूज़ करके आप जो है डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं क्लियर यूज़र जो है डेटा को एंटर करता है कंप्यूटर सिस्टम में तो ये पूरा डिटेल हमने जो है हार्डवेयर वाले और सॉफ्टवेयर वाले वीडियो में इसको डिस्कस कर रखा है इसी तरीके से जो अगला डिवाइस है इंपॉर्टेंट डिवाइस है दैट इज आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या हो गया वो डिवाइसेज जिसका यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन को या फिर रिजल्ट को शो करता है यूजर को तो आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन टू द यूज़र थ्रू मॉनिटर और वीडियो यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट वीडियो एल सी डी प्रिंटर प्लॉटर स्पीकर ये सब क्या है ये सब आउटपुट डिवाइसिस हैं अब आपको कंप्यूटर सिस्टम में आपने इंटर कर दिया कि आपको जो है व्हाट इज़ कंप्यूटर ये आपको जो है सर्च करना है अब आपको दिखेगा कैसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखेगा कैसे तो आप देखते होंगे आपके सामने मॉनिटर है उस मॉनिटर पर जो है आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रिजल्ट होता है वो दिख जाता है तो मॉनिटर क्या हो गया एक आउटपुट डिवाइस हो गया वो आपको दिखा रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन आई है क्या रिजल्ट आया है एल हो प्रिंटर प्रिंट प्रिंटेड फॉर्म में जो है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पे मिल जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए बिना इनपुट डिवाइस के आप कंप्यूटर में डेटा फीड ही नहीं कर पाओगे बिना आउटपुट डिवाइस के आपको इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट दिखेगा ही नहीं क्लियर इसी तरीके से जो दूसरा डिवाइस है दैट इज स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइस क्या है कि यहां पर क्या है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जो होते हैं आपको है है वो सिस्टम में सेव करके रखना होता है। तो स्टोरेज डिवाइस में जो है आपको जो है जो है डेटा इंफॉर्मेशन है उसको फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखना है तो उसके लिए आपको जो है स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ती है जहां पर आप अपने डेटा को सेव करके रख सके बाद में वहां से फिर से रिट्राइव कर सके फिर से यूज कर सके तो स्टोरेज डिवाइस आर द डिवाइस विच आर यूज टू रिट्राइव फ्रॉम एंड सेव टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन जैसे हार्ड ड्राइव मेमोरी स्टिक पेन ड्राइव कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी टेप ड्राइव ये सब क्या है ये सब स्टोरेज डिवाइसेज है जहाँ पर आप जो भी रिजल्ट आए जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको क्या करते हो सेव करके रखते हो क्लियर तो ये हो गया इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज अब बात कर लेते हैं कि जब आप डेटा को फीड करते हो उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होता है तो प्रोसेसर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है प्रोसेसर जिसको हम सी पी यू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं ये क्या होता है एक तरीके का यहाँ पर सिस्टम यूनिट होता है आप देखते होंगे सीपी यू बड़ा सा होता है तो उसको हम सिस्टम यूनिट

सेव करके सकते हैं लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए वहाँ पर आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो रैम रोम आपने ये पला होता है मेमोरी इज़ वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर हेल्ड तो सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ जाके सेव होता है वो मेमोरी में सेव होता है आप जब सिस्टम पर कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो भी करंट डेटा होता है वो कहाँ सेव होता है वो भी मेमोरी में सेव होता है तो मेमोरी भी दो टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्लियर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी तो वहाँ पर प्राइमरी मेमोरी जो है इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं तो प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो टाइप होती है, तो तब काम करता है जब आप सिस्टम में यूज कर रहे होते तो exactly हो सब डेटा कहां सेव होता है और रीड ऑनली मेमोरी जब आप कंप्यूटर सिस्टम को सेव बंद कर देते हो उसके बाद जो डेटा जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं हो, जहां सेव होते हैं उसको हम रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं तो दोनों ही प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, और ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपी सिस्टम यूनिट में होता है सेकेंडरी मेमोरी या फिर जिसको हम ऑग्जली मेमोरी कहते हैं वो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को लॉन्ग टर्म सेव करने के लिए यूज किया जाता है क्लियर तो ये सिस्टम पूरा सिस्टम यूनिट होता है तो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर यह सिस्टम यूनिट इसी के अंदर जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है इसी को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू इसी के अंदर मदरबोर्ड है इसी के अंदर जो है आपको साउंड कार्ड वीडियो कार्ड प्रोसेसर मेमोरी ये सारी चीजें जो स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क होता है वो सब इसी सिस्टम यूनिट के अंदर जो है आपको देखने को मिलती हैं

आपका वीडियो जो भी दिख रहा है उसको रन करने के लिए वीडियो कार्ड होता है वो कहाँ होता है इसमें होता है पेन ड्राइव आपको लगाना है कहाँ लगाएंगे सेंट्रल प्रोसेस जो इस सिस्टम यूनिट है उसमें लगाएंगे इस तरीके से जो भी मेमोरी होता है प्राइमरी मेमोरी जो है सेकेंडरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी है वो भी आपका सिस्टम यूनिट में होता है तो पूरा जो सिस्टम यूनिट है जिसको आप सी पी कहते हैं एक्चुअली वो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर जो है प्रोसेसर लगा होता है मदरबोर्ड होता है साउंड कार्ड होता है वीडियो कार्ड होता है तो अलग अलग जो है वहाँ पर पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के तो ये तो हो गए कंपोनेंट एक इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम का लेकिन अगर सपोज कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे तो उसके लिए आपको जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेज तो इन डिवाइसिस का यूज़ करके जो है एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर, कर सकते हैं यानी कि डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा को जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर सेंड कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन डिवाइस इज एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट अलाउस यू टू सेंड िसीव और ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन तो इसके लिए जो है मॉडर्न एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि सिस्टम यूनिट जो होता है उसके अंदर जो है फिक्स किया जाता है जिसके बाद ही कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डेटा को जो है सेंड कर सकता है फिर रिसीव कर सकता है क्लियर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इसकी वजह से ही वहां पर आती है तो अगर हम देखें कि कंपोनेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती वहाँ पर, है वहां पर आउटपुट डिवाइस होते हैं सिस्टम यूनिट होता है जिसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ए एल यू सी यू उसके बाद मेमोरी होता है उसमें फिर डिफरेंट वीडियो कार्ड साउंड कार्ड होता है नेटवर्क इंटरफेयर कार्ड होता है स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज की वहां पर रिक्वायरमेंट पड़ती बढ़ती ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर ही जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है वहां पर कंप्लीट बनता है तो इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है तब जाके कंप्यूटर सिस्टम जो है सही तरीके से वर्क करता है तो ये है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सिस्टम यूनिट जिसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी और एक्सटर्नल डिवाइसेज जिसको हम स्टोरेज डिवाइस या फिर ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहते हैं विशू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग